पुलिस का डरा हो घर के सामने मत खड़ा करा करो। मेरे दोस्त आते होंगे तो क्या सोचेंगे कि आप एक रिक्शे वाले हो। बेटा सच्ची तो है। पापा को कितनी बार मना किया है मेरे कॉलेज के पास ऑटो लेकर मत आया करो। अरे आंचल क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम? अरे कुछ नहीं यार, तुम्हें पता तो है जहाँ सवार देखी नहीं मुँह उठा कर चले आते हैं। You know what? मैंने पापा का रिक्शा बेच दिया। पापा ये क्या, मैंने कितनी बार मना किया, इस खटारा को घर के सामने मत खड़ा करा करो। बेटा अपनी गाड़ी अपने घर के सामने नहीं खड़ी करूंगा तो और कहाँ खड़ी करूंगा। क्या गाड़ी? ये गाड़ी है, एक नंबर का खटारा है खटारा। हटाओ इसे, मेरे दोस्त आने वाले हैं, देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मेरे पापा एक रिक्शा वाले हैं। बेटा सच्ची तो है, एक रिक्शा ड्राइवर ही तो हूँ मैं। हाँ तो रिक्शा ड्राइवर होना कोई शान की बात नहीं है जो अपने दोस्तों को बताती फिर। हटाओ इसे, वो आते होंगे। यार ये बस इतना लेट क्यों कर रही है, अभी तक आई क्यों नहीं? अरे पापा आप? बेटा तू अभी तक यहीं खड़ी है, अगर तुम्हारी कॉलेज की बस नहीं आई तो तू मुझे कॉल कर देती, मैं तुम्हें ऑटो पर घर छोड़ा था। पापा को कितनी बार मना किया है मेरे कॉलेज के पास ऑटो लेकर मत आया करो। बेटा वो तो मैंने किसी लड़के को यहाँ पर छोड़ना था इसलिए आया था। छोड़ दिया, अब निकलो यहाँ से, इससे पहले कोई देख लो मेरी फिर से बेइज्जती हो जाए। अरे आंचल क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम? अरे कुछ नहीं यार, तुम्हें पता तो है जहाँ सवार देखी नहीं मुँह उठा कर चले आते हैं। अंकल नहीं जाना आपके साथ, समझ नहीं आता क्या, निकलो यहाँ से। अरे चल कोई बात नहीं, आजा मैं छोड़ देता हूँ। पापा मेरी ना जॉब लग गई है। अच्छा बेटा, वेरी गुड, बधाई हो बेटा, बधाई हो। थैंक यू पापा, पूरे 20 लाख का पैकेज है, अब तो ऐश ही ऐश है। शुक्र है तेरा भगवान, तूने मेरी मेहनत का फल दे ही दिया। बेटा इसी खुशी में आज हम सभी ना पार्टी करने जाएंगे। पर पूरी फैमिली जाएगी किस पे? जाएगी किस पे? बेटा अपनी गाड़ी है ना, ऑटो पे और किस पे? बस पापा वो खटारा होगी तभी जाएंगे ना। मतलब? वो मैंने बेच। क्या बात है, बधाई हो बधाई हो। हाँ हाँ पक्का जल्दी आ जाऊंगा पक्का। You know what? मैंने पापा का रिक्शा बेच दिया, अब हम जहाँ भी जाएंगे कैब पर जाएंगे। क्या तूने पापा को वो रिक्शा बेच दिया? अंचल तूने ये क्या किया, तुझे पता भी है पापा के उस रिक्शा के साथ कितने इमोशंस जुड़े हैं? जब हम छोटे थे ना तो पापा भी एक अच्छी जगह पे जॉब करते थे, ये तो हमारे खर्चे पूरे हो सके तो पापा ने रिक्शा लिया और 20-20 घंटे मेहनत करने के बाद देख आज उन्होंने हमें किस लेवल पे पहुंचाया। आज अगर मेरी एक अच्छी जॉब है ना तो वो उस रिक्शा की वजह से, और तेरी पल्ली के एक अच्छी जगह पे नौकरी लगी है ना तो वो भी उस रिक्शा की वजह से, और तू बोल रही है कि तूने उस रिक्शे को बेच दिया। सॉरी बोलना है ना तो मुझे नहीं, जाके पापा को बोल। मैंने कितनी बार मना किया, इस खटारा को घर के सामने मत खड़ा करा करो। पापा को कितनी बार मना किया है मेरे कॉलेज के पास ऑटो लेकर मत आया करो। हेलो पापा, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है तो मैंने सोचा कि आपसे मिलती हुई जाऊं, बाहर खड़ी हूं जल्दी से आ जाऊं। मेरा रिक्शा। हाँ पापा, मैं आज इस रिक्शे को दोबारा लेकर आई हूँ, और आई एम सॉरी पापा, न जाने इस रिक्शे की वजह से मैंने आपको कितना कोसा और आपकी इंसल्ट भी की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा,
इनफैक्ट आज हम इसी पर ऑफिस जाएंगे और मैं आपको अपने बॉस और कुली से भी मिलवाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, मुझसे ऐसा नहीं होगा। सब होगा पापा, आप चलो।